नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सृजमना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जनसंख्या। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछ ही लिया जाता है, इसलिए दोस्तों यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। इसलिए प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, तथा कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा कि आखिर आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर लगाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग जो है तो 7,26,26,809 है, ठीक है। मध्य प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का जो कि 5.99% हिस्सा है, ठीक है। दोस्तों, भारत में जो है तो पहली जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो 1881 में हुई थी, और तब से लेकर आज तक पर 10 साल में जो है तो जनगणना होती है। 2011 की जनगणना में भारत में 15वीं एवं आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना की गई थी, ठीक है। 2011 में कौन सी जनगणना हुई थी, तो 15वीं जनगणना हुई थी, और आज़ादी के बाद वो 7वीं जनगणना थी, ठीक है, जो 2011 में हुई थी। वही डाटा को जो है तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जनसंख्या अधिनियम 1948 के अंदर जनगणना से संबंधित कार्य जो किए जाते हैं वह गृह मंत्रालय के अधिकार में रहकर भारत सरकार द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों, जो जनगणना का कार्य है वह 1948 के जनसंख्या अधिनियम के अनुसार जो है तो गृह मंत्रालय के अधिकार में रहकर भारत सरकार के द्वारा करवाया जाता है। जनगणना के अभ्यास के तहत क्या क्या किया जाता है, महत्वपूर्ण मापदंड जैसे जनसंख्या, कुल जनसंख्या के बारे में जनगणना होगी एवं लिंगानुपात के बारे में होगी, साक्षरता होगी कि मतलब कितने साक्षर हैं कितने निराक्षर हैं, लिंगानुपात की मतलब जो है तो वहाँ का लिंगानुपात कितना है। जैसे लिंगानुपात की अगर बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है, तो उसको भी जो है तो जनगणना की, उसकी भी जनगणना की जाएगी। तथा जनसंख्या घनत्व कितना है, घनत्व का मतलब है सघनता से, मतलब 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती थी और अब कितना निवास कर रही है, वही है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या वितरण का मतलब होता है दोस्तों जनसंख्या के बिखरे हुए होने से, ठीक है, आदि का जो है तो जनगणना में ये कार्य किए जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में जो है तो इनको मापा जाता है जनगणना के तहत, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 200 जनसंख्या घनत्व जो है तो कितना है मध्य प्रदेश का, जो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करें तो 20.3% है, और मध्य प्रदेश में अगर बात करें अनुसूचित जातियों की तो कितनी है, 1,13,42,320, यानी कि राज्य की आबादी का जो है तो 15.60% हैं, क्या हैं, 15.60% लोग अनुसूचित हैं। अनुसूचित जाति कितनी है मध्य प्रदेश में, 15.60% हैं, ठीक है, और अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं, 21.10% हैं, ठीक है। और उसकी अगर हम आबादी की बात करें, उनकी हम जनसंख्या की बात करें कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, तो 1,53,16,784 है, ठीक है, जो कि कुल आबादी का 21.10% है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश में लिंगानुपात देख लेते हैं, आखिर लिंगानुपात होता क्या है। तो दोस्तों, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में जो है तो इसको परिभाषित किया जाता है लिंगानुपात को, मतलब जो है तो 1000 पुरुष में कितनी महिलाएँ हैं, ये चीज़ की जानकारी ही क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाता है दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ क्या कहलाता है, लिंगानुपात। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात था वो कितना था, 931 था, मतलब 1000 पुरुष में 931 ही महिलाएं थी 2011 में जब जनगणना हुई थी, ठीक है, भारत की। तो उस समय मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात आया था तो 1000 पुरुष में 931 महिलाएं थी, जो भारत के लिंगानुपात से कम है, मतलब भारत का लिंगानुपात 9.43 था, 943 था, भारत में जो लिंगानुपात था 2011 में 943 था, और मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 931 था, मतलब जो है तो
कम था लिंगानुपात मध्य प्रदेश का, ठीक है, जो पिछले दशक 919 की तुलना में 12% की वृद्धि भी हुई थी, और नहीं तो 931 भी नहीं था, 931 से 12 कम ही था, लेकिन 12 की वृद्धि हुई इसलिए 931 हो गया था मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, जबकि 2011 के पहले जो लिंगानुपात था मध्य प्रदेश का वो जो है तो कम था, मतलब जो है तो 931 नहीं था, 931 से 12 कम, ठीक है, लेकिन जब 11 में जो है तो जनगणना हुई तो उस समय मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 12 बढ़ गया, इसलिए 931 हो गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का जो उल्लेख है वो इस तालिका में दिया गया है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है तो ये जिले दिए गए हैं, ये जिला है, ये क्रम है और ये लिंगानुपात है, ठीक है। तो क्रम वाइज जिले दिए गए हैं कि जहाँ का जितना लिंगानुपात पहले ज़्यादा है पहले उसको रखा गया है, फिर उसके बाद थोड़ा कम वाले को, फिर उससे थोड़ा कम वाले को, तो ये क्रम है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है वहाँ का जो लिंगानुपात है वो 1021 है, ठीक है, और अलीराजपुर का जो है तो लिंगानुपात 1011 है, मतलब जो है तो 1000 पुरुष में 1011 महिला और 1000 पुरुष में 1021 महिला, और मंडल में मंडला की अगर हम बात करें तो 1006 महिला, ठीक है, डिंडोरी की अगर बात करें तो 1002 महिला हैं, ठीक है, मतलब अभी लगभग लगभग ये सबसे ज़्यादा जो जहाँ का लिंगानुपात है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे 1000 पुरुष में झाबुआ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कितनी महिला हैं, 990 हैं, मतलब 10 कम हैं, जबकि डिंडोरी में अगर हम बात करें तो डिंडोरी में जो है तो 1002 हैं, मतलब 2 महिला ज़्यादा हैं डिंडोरी में। तो ये हैं सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जिले मध्य प्रदेश के। उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की कुल जो जनसंख्या है दोस्तों वो 809 है, ठीक है, और मध्य प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 5.99% हिस्सा है, यही जो ये इतनी जनसंख्या है यह देश की जो है तो 5.99% हिस्सा है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्यों की जनसंख्या के मामले में 5वें स्थान पर रहा है, अन्य 4, ठीक है, जो हमारा मध्य प्रदेश है वो 5वें नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से जो है तो बड़ा राज्य कौन सा है 5वें नंबर का, तो मध्य प्रदेश है। अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर में जो है तो उत्तर प्रदेश था, ठीक है, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पर बिहार है। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है तो जनसंख्या कहाँ की है, किस प्रदेश, उत्तर प्रदेश की। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पर बिहार है। और जो हमारा 5वें नंबर पर है हमारा मध्य प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। तो अब वही देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले तो क्रम है, ये क्रम दिया हुआ है, ये सब क्रम है, ठीक है, कि मतलब जो है तो सबसे ज़्यादा पहले जनसंख्या मध्य प्रदेश में इस ज़िले में है, फिर उसके बाद इस ज़िले में, फिर उसके बाद इस ज़िले में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो इंदौर है, इंदौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो इंदौर ज़िला है, इंदौर ज़िले में कितनी जनसंख्या है, तो 32,76,697 है, ठीक है, 32,76,697 है कहाँ की, इंदौर की जनसंख्या, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर ज़िले में है, कितनी है, 32,76,697, ठीक है। उसके बाद जो मध्य प्रदेश के अंदर दूसरा जो ज़िला है जहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक है वो है जबलपुर, कितनी है, 24,63,289, ठीक है, ये जनसंख्या है। उसके बाद जो मध्य प्रदेश के अंदर तीसरा जो ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कौन है, सागर, वहाँ पे कितनी है, 23,78,458 है। और जो चौथा ज़िला है मध्य प्रदेश का जहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक है वो है भोपाल, 23,71,061 है। और फिर 5वें नंबर पर हमारा रीवा आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे जो है तो 23,65,106 जनसंख्या है, मतलब रीवा में भी 23 लाख जनसंख्या है, 23,65,106 जनसंख्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मध्य प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले, अभी हमने सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ज़िले देखे, अब सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले देख लेते हैं। सबसे कम
जनसंख्या वाले जिले देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के क्रम के अनुसार तो जो निवाड़ी जिला है वहाँ की जनसंख्या कितनी है, 4,01,000 है। मालवा की जो अगर हम बात करें, आगर मालवा की, वहाँ की जनसंख्या 4,80,000 है। हारदा की अगर बात करें तो 5,70,465 है, ठीक है, जो कि जो है तो कम है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है तो जनसंख्या कम है इन जिलों में, ठीक है। हारदा की अगर बात करें तो हारदा में कितनी है जनसंख्या, 5,70,465। उमरिया में अगर हम बात करें तो 6,44,758 है। शिवपुर में 6,87,861 ही जनसंख्या है, ठीक है। तो ये थे कम जनसंख्या वाले जिले मध्य प्रदेश के, ठीक है। उस तो यहाँ पे अगर हम महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जनसंख्या 7,26,26,809, ये तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या हुई, जिसमें अगर हम देखें कि पुरुष कितने हैं तो 3,76,12,306 इतने पुरुष हैं, जो कि राज्य की आबादी का 51.70% हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश में अगर हम यह बात करें कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, 7,26,26,809 में महिलाओं की संख्या कितनी है तो 3,50,000, ठीक है, और 14,503 है, ठीक है। यानी कि राज्य की आबादी का 38.30% ही जो है तो हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे जो है तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, मतलब गांव में निवास करने वाली जनसंख्या ही ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है, तो वो कितनी है, वो है 5,25,57,404, यानी राज्य की आबादी का 72.44%, यानी मध्य प्रदेश में 72% यानी 73% जनसंख्या गांव में ही निवास कर रही है, ठीक है। और शहर में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, केवल 27%, ठीक है। अगर हम उसकी जनसंख्या की बात करें कि मध्य प्रदेश में जो है तो शहर में निवास करने वाली जनसंख्या की संख्या कितनी है तो 2,06,09,405 जनसंख्या निवास कर रही है शहर में, जो कि 27.60% है, ठीक है। तो गांव में मध्य प्रदेश का जो गांव है, गांव में कितनी जनसंख्या निवास करती है, 72.40%, और मध्य प्रदेश में शहर में कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है तो 27.60%। और अगर हम मध्य प्रदेश के लिंगानुपात की बात करें तो 1,000 पुरुषों में जो है तो कितनी महिलाएं हैं, केवल 931 महिलाएं हैं, ठीक है। और जनसंख्या अगर घनत्व की बात करें तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है मध्य प्रदेश में तो 20.3% है। और यहाँ मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियाँ कितनी हैं, अनुसूचित जातियों की अगर हम बात करें तो 1,13,42,320 यानी राज्य की आबादी का 15.60% हैं ये अनुसूचित जातियाँ, ठीक है, मतलब 15.60% भाग पर ये बसी हुई हैं अनुसूचित जातियाँ। और अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें हम मध्य प्रदेश में तो 1,53,16,784 यानी राज्य की आबादी का 21.10% भाग ये घेरे हुए हैं, मतलब 21.10% हैं ये राज्य की आबादी का, ठीक है, कौन, अनुसूचित जनजातियाँ, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, जहाँ पे लिंगानुपात सबसे कम है। अभी हमने देखा कि जहाँ पे लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, अब हम देखते हैं जहाँ पे लिंगानुपात सबसे कम है। जैसे यहाँ पे अगर हम मध्य प्रदेश के भिंड की बात करें, भिंड जिले की, तो वहाँ पे केवल 1,000 पुरुष में 837 ही महिला हैं, ठीक है। वहीं अगर हम मुरैना की बात करें तो 840 महिला केवल हैं 1,000 में, 1,000 पुरुष में। ग्वालियर में जो है तो 864 ही महिलाएं हैं, ठीक है, 1,000 पुरुष में। दतिया में अगर हम बात करें तो केवल जो है तो 873 ही जो है तो पुरुष हैं, दतिया महिलाएँ हैं 1,000 पुरुष में। शिवपुरी में अगर हम बात करें तो केवल 877 महिलाएं हैं 1,000 पुरुष में। तो ये जो है तो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले थे मध्य प्रदेश के, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में लिंगानुपात की दृष्टि से देश में 20वें स्थान पर, जो मध्य प्रदेश है वह लिंगानुपात की दृष्टि से 20वें नंबर पर है, मतलब जो है तो 900 से तो पार हैं, परंतु 1,000 को भी कुछ जिले पार किए हैं, ज़्यादा तो नहीं, बट जनसंख्या जो लिंगानुपात है वो उसका जो औसत निकल के आया है तो वह केवल 931 ही है, 1,000 पुरुष में 931 महिलाएं हैं केवल, ठीक है।
मध्य प्रदेश में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं, जहां पे जो है तो 1000 से अधिक है लिंगानुपात, वही अभी हमने बता के आया है ऊपर, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, यहां पे जो है तो 1000 पार कर गई हैं महिलाएं, ठीक है। 1000 पुरुष में 1002 हैं, कहीं 1006 हैं, कहीं 1010 हैं, तो इस तरीके से जो है तो पार करके गई हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से जो है तो वो सबसे ज़्यादा जो है तो जनसंख्या लिंगानुपात वाले जो है तो ये ज़िले हैं मध्य प्रदेश के अंदर, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले ज़िले बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 1991 की जो है तो जनगणना में, 1991 की जनगणना में मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात देखा गया था, 912 था, ठीक है। लेकिन 2011 में जब हुआ तो वहाँ पे जो है तो बढ़ गया लिंगानुपात, कितना हो गया था, लगभग जो है तो 931 हो गया, ठीक है। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात 1941 की जनगणना में देखा गया था, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 1941 के समय में जब जो है तो जनगणना हुई थी वो, ठीक है, 1941 में जब मध्य प्रदेश भारत की जनगणना हुई थी, तो उस समय जो भारत का जो ये मध्य प्रदेश राज्य है यहाँ पे जो है तो 1000 पुरुष में 941 महिलाएं थी, ठीक है, 964 महिलाएं थी, कितनी थी, 964 महिलाएं, ठीक है। और जब 1991 में हुई तो 912 हो गया था, मतलब जो लिंगानुपात था वो घट गया था, लेकिन जब 2011 में हुई मध्य प्रदेश की जनगणना, तो उस समय यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 931 हो गया था, मतलब 1941 में जनगणना हुई भारत की तो मध्य प्रदेश की जो लिंगानुपात था वह 964 था, और जब 1991 में हुई तो लिंगानुपात घटा, 912 हो गया, लेकिन जब 2011 में हुई तो लिंगानुपात फिर से बढ़ गया, 931 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश में तीन जनगणनाओं में लिंगानुपात में सुधार देखने को मिला, 1981 में, 2001 में, 2011 में। 1981 में एक ऊपर हुआ था और 2001 में 7 महिलाएं ऊपर गई थी और 2011 में 12 ऊपर गई थी, ठीक है। मतलब जो है तो इस तरह से लिंगानुपात हमें देखने को मिला है, ठीक है, केवल तीन ही जनगणना में, 81 वाली में, 2001 वाली में और 2011 वाली में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जो है तो परिभाषित किया जाता है, मतलब एक किलो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है वही है जनसंख्या घनत्व। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 236 व्यक्ति निवास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो राष्ट्रीय औसत 382 से कम है, ठीक है। 2001 की पिछली जनगणना के बाद इनमें से 40 की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला अगर देखें तो कौन कौन से हैं, जैसे कि भोपाल की अगर बात करें, यह सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, कहाँ पे, भोपाल में, कितना है वहाँ पे, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है तो दूसरा है इंदौर, इंदौर में कितने जो है तो जनसंख्या घनत्व है, तो 841 है प्रति वर्ग किलोमीटर में। जबलपुर में 473 है प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, और ग्वालियर में 446 है प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 446 व्यक्ति निवास कर रहे हैं ग्वालियर में। और जबलपुर में जो है तो 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं और इंदौर में 841 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। और मुरैना की अगर बात करें तो वहाँ पे 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले देख लेते हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है, तो इसमें जैसे डिंडोरी है, ये सबसे कम है जनसंख्या, कितनी, केवल 94 व्यक्ति ही निवास कर रहे हैं, एक किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है तो 94 व्यक्ति ही निवास कर रहे हैं डिंडोरी में। और शिवपुर की अगर बात करें तो 104 व्यक्ति निवास कर रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। पन्ना में 142 व्यक्ति निवास कर रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। बैतूल और रायसेन में जो है तो केवल 157 व्यक्ति निवास कर रहे हैं
ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में। और उमरिया की अगर हम बात करें तो 158 व्यक्ति निवास कर रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। और भिंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत के बराबर यानी कि 382 है, क्योंकि भारत का भी जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो भिंड जिला है वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है, जबकि भारत के बराबर है, ठीक है। उसके बाद जो है तो हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की, उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। मतलब जो है तो जनसंख्या वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर 2001 की जनगणना की तुलना में 4% कम हुई है, ठीक है। जब 2001 की जनगणना हुई थी उस टाइम में जो जनसंख्या वृद्धि थी वह 4% कम गई थी, और 2011 में जो है तो जो जनसंख्या वृद्धि थी वो 20.3% रही। 2011 में जब जनगणना हुई तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि थी वो 20.3% थी, लेकिन 2001 में 4% कम गई थी, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर जो है तो कितनी है मध्य प्रदेश में, तो 12.30% है। जनसंख्या वृद्धि जो बढ़ने का जो क्रम है वो मध्य प्रदेश में कितना है, गांव में 12.30%, और शहर में जनसंख्या वृद्धि दर जो बढ़ती है उसका जो है तो कितना परसेंट है, तो 31.81%, ठीक है। कितना है, 31.80%। 31.80% जनसंख्या वृद्धि कहाँ है, शहरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अंदर, और 12.30% जनसंख्या वृद्धि कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, मतलब जहाँ पे जो है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है, उन जिलों को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो हमको देखने को मिल रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं, और नगरीय जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, और जो है तो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा जो है तो इंदौर में जनसंख्या वृद्धि है, झाबुआ में है, भोपाल में है, ठीक है। लेकिन अगर नगर की बात करें तो रायसेन में, धार में एवं मंडला में है, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर जनसंख्या की बात करें तो झाबुआ, सिंगरौली और बड़वानी में है, ठीक है। उसके बाद और भी ज़िले हैं, ठीक है। गाँव में अगर हम बात करें तो बुरहानपुर, भोपाल में जनसंख्या सबसे अधिक है, शहर में इंदौर में, मुरैना में है, और ज़िले की अगर बात करें तो सिंगरौली और बड़वानी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िले देखने हैं, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या जहाँ पे है उस ज़िलों को देखना है हमको, ठीक है। तो उन ज़िलों को देख लेते हैं, इसमें हमको देखने को मिलेगा जैसे सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, अनूपपुर की, फिर बैतूल की है, ठीक है। और सबसे जो है तो कम जनसंख्या गांव शहर में देखें तो अनूपपुर और बुरहानपुर, और सबसे कम जनसंख्या अगर हम देखें मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में तो मंदसौर और नरसिंहपुर में है, ठीक है। उसके बाद यहां पे और हम देख लेते हैं जैसे छिंदवाड़ा ज़िले में सबसे कम जनसंख्या है, मंदसौर में, बालाघाट में कम है, शहडोल में शहरी जनसंख्या कम है, छिंदवाड़ा में भी शहरी जनसंख्या कम है, पन्ना में शहरी जनसंख्या कम है, ग्रामीण जनसंख्या जबलपुर में कम है, नीमच में कम है, बैतूल में कम है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में साक्षरता देख लेते हैं। साक्षरता, साक्षर का मतलब होता है दोस्तों पढ़े लिखे लोगों से, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ, पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाता है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जो साक्षरता दर थी वो कितना थी, 69.30%, जो राष्ट्रीय औसत का 73% से भी कम है, ठीक है। मतलब अपने भारत मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो लगभग 70 लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, बाकी 30% लोग अनपढ़ हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है तो कुल साक्षर आबादी कहाँ, मतलब ये मध्य प्रदेश जो है तो कुल साक्षर कितने लोग हैं मध्य प्रदेश में, जितनी आबादी है उसका जो है तो 42.85 मिलियन हैं, ठीक है, एमपी में कुल साक्षर लोग, ठीक है। और कुल साक्षरता दर कितनी है, 69.30%। साक्षर इसमें जो है तो देखेंगे कि कितने साक्षर पुरुष हैं, कितने साक्षर महिला हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में साक्षर पुरुष कितने हैं, तो 78.70%, ठीक है।
और महिला कितनी है तो 59.20, मतलब महिला कम है पुरुष ज़्यादा साक्षर हैं मध्य प्रदेश में। अब देख लेते हैं कि गांव में कितने साक्षर लोग हैं और शहर में कितने साक्षर लोग हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है तो 63.90% लोग जो है तो गांव के हैं ऐसे लोग जो साक्षर हैं 63.90%, और शहर में 82.80% लोग साक्षर हैं। ठीक है, मतलब शहर में साक्षरता दर अधिक है। ठीक है, अब वहाँ अधिक होने का प्रमुख कारण है, वहाँ सारी जो है तो व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, शिक्षा की बहुत सारे संस्थान उपलब्ध हैं। ठीक है, जिसकी वजह से शहर में साक्षरता दर थोड़ा बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्र जो है तो पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता है, इसकी वजह से वहाँ पे साक्षरता दर जो है तो घटेगी। ठीक है, और साक्षरता में दशकीय परिवर्तन, ठीक है, मतलब जो है तो प्रति दशकीय परिवर्तन का मतलब यह होता है दोस्तों, क्योंकि जो जनगणना का जो समय है वह पर 10 साल के बाद ही होती है। ठीक है, तो मतलब 10 साल में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो 5.6% है, वह तो साक्षर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।